मिलिट्री स्कूल की बात करें जो कि आर्मी के द्वारा चलाया जाता है, भारतीय सेना के द्वारा चलाया जाता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास, और आज की क्लास हिमाचल प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों की क्लास। इस क्लास में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को उठाएंगे, वो क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं आपके इस सीरीज में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो किसी भी कॉम्पिटिटिव के लिहाज में जो हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं या आगामी होने वाले हैं एचपीपीएससी के द्वारा, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये मैंने ले आया हूं सामने, हिमाचल प्रदेश में मिलिट्री स्कूल कहां पर स्थित है। मिलिट्री स्कूल वो होता है बच्चों, जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात करें जो कि आर्मी के द्वारा चलाया जाता है, भारतीय सेना के द्वारा चलाया जाता है, वो चैल में है। कहां पे है? चैल सोलन में स्थित है। ठीक है जी, याद रखने वाली बात है, बहुत ही बढ़िया सवाल है चैल। ठीक है, अगला सवाल है, प्रदेश का पहला सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर स्थित है। तो वो है सोलन के भागना घाट में। कहां पर है? सोलन के भागना घाट में स्थित है। अगला सवाल है, सुप्रसिद्ध कांगड़ा किला किस नदी के किनारे पर स्थित है। जो कांगड़े के पास जो नदी बहती है ना, वहां पर बहुत से लोग आते हैं और स्नान करते हैं, उसे गंगा के बराबर माना जाता है, इसलिए उसे बाण गंगा कहा जाता है। तो बाण गंगा नदी के किनारे पर यह किला स्थित है। अगला है, बनेर तथा मांझी खड बहुत ही इंपॉर्टेंट खड़े हैं, और ये कहां पर हैं? तो ये कांगड़ा जिला में है, गगड़ के पास पड़ती है ये। ठीक है, तो ये हमने पूरा दिमाग में रखना है, ये खड़े कहां पर स्थित हैं। तो ये कहां पर है? कांगड़ा जिला में स्थित है। अगला सवाल है, मणि महेश मंदिर किस शैली में बना है। तो मणि महेश जो मंदिर है वो बना है शिखर शैली में। कौन सी शैली में बना है? शिखर शैली में। नालदेहरा में वर्ष 1905 में किस गवर्नर जनरल ने गोल्फ खेला था। कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल आया था जिसने गोल्फ खेलना जो है वो शुरू किया था शिमला में? तो वो है आंसर लॉर्ड कर्जन। क्या आंसर रहेगा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है गोल्फ को खेलना शुरू किया था सन 1905। कभी हार मत मानो किस स्कूल का आदर्श वाक्य है। तो ये है स्नावर स्कूल। किसका है? स्नावर स्कूल, और ये सोलन में है। कहां पे बेटा? सोलन में है। संस्थापक याद रखने हैं हेनरी लॉरेंस। ये अंग्रेजों के टाइम के स्कूल हैं और बहुत बेहतर सुविधाओं के साथ जो है अभी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आप भी यहां पर अपने रिलेटिव्स का भविष्य बनवा सकते हैं, यहां पे एडमिशंस के लिए बहुत मारामारी पड़ती है। एशिया का सबसे ऊंचा हॉकी मैदान कहां पर है? तो एशिया का जो सबसे हाईएस्ट है वो है शिलारू शिमला में, बहुत ही हाइट पे है ये हॉकी मैदान, तो ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री जो थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर, क्योंकि उन्होंने 1857 के विद्रोह के समय में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, तो बनाया था इनको स्वास्थ्य मिनिस्टर, और साथ में 1952 में प्रथम लोकसभा का चुनाव कहां से लड़ा था। ये सवाल है कि ये कहां से जो है वो सिलेक्ट हुई थी, तो ये हुई थी महासू से। कहां से हुई थी? महासू से सिलेक्ट हुई है। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आनंद चंद। कौन है? आनंद चंद इसका सही आंसर है, राजा आनंद चंद। अगला है, मशहूर इतिहासकार विपिन चंद्रा। देखिए बहुत बार आता है ये इतिहासकार हैं, ये भी याद रखना है। और ये कहां के रहने वाले हैं? ये हैं गरली प्रागपुर, जो कि कांगड़ा के पास पड़ता है। कांगड़ा से आगे जाएंगे देरा, देरा के साइड में ही साथ में प्रागपुर पड़ती है जगह, गरली प्रागपुर, वहां पर यह स्थित है। गरली जगह है प्रागपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्री मद भगवत गीता का मंडियाली में अनुवाद किसने किया? तो इसका अनुवाद जो है वो किया था मंडी के भवानी दत्त के द्वारा, शास्त्री भवानी दत्त शास्त्री के द्वारा जो है वो अनुवादित किया गया है। अगला है,
1939 ईस्वी में धामी गोलीकांड हुआ था। बहुत बार आता है बच्चों धामी गोलीकांड। तो उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों ने जो है किसे गिरफ्तार किया था, भागमल सोहाटा को जो है सबसे पहले अरेस्ट किया था अंग्रेजों ने। उसने कहा था सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा किसकी कृति है, तो यह है श्रीधर शर्मा गुलेरी की। श्रीधर शर्मा गुलेरी जो कि गुलेर कांगड़ा से जो है वो बिलोंग करते हैं, उनके ये कृतियां हैं। मंडी के किस क्रांतिकारी को भाई जी के नाम से जाना जाता है, वो है हिरदाराम। कौन है? हिरदाराम, श्री भाई हिरदाराम। अगला सवाल है हिमाचल प्रदेश के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे हमारे नगरोटा से हैं मेहर चंद महाजन नगरोटा से हैं, कांगड़ा के समीप है ये और वहां से ये बिलोंग करते हैं। मेहर चंद कब से कब तक भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, तो ये रहे हैं 1954 में रहे थे। कब रहे थे? 1954 में, और कुछ ही दिन रहे हैं, बस 4 जनवरी से लेकर 23 नवंबर तक, ये हार्डली 7-8 महीने। नेक्स्ट है नवंबर यानी कि 11 महीने, ठीक है। शिमला के हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का मुख्य संपादक कौन थे, तो वो थे नगीन चंद्र दत्त। अगला है बिलासपुर का राजनीतिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, ये है पुस्तक का नाम और इसके लेखक का नाम जो है वो आपसे पूछा गया है, तो नमोदत्त शास्त्री जो है, नरोदत्तम शास्त्री जो है वो इसका सही आंसर होगा बच्चों। रूस के सुप्रसिद्ध चित्रकार निकोलस रॉरिक को समर्पित आर्ट गैलरी जो है हिमाचल प्रदेश में, ये कहां पर है, तो ये है नगर कुल्लू में। कहां पर है? नगर कुल्लू। वो वहां से आए थे रूस से, पर फिर यहीं पे बस गए और यहीं पे रह गए। नेक्स्ट है विनोबा भावे द्वारा शुरू की गई सूर्योदय विचार पत्रिका के संपादक कौन बने थे, तो उसका सही आंसर है श्री रमेश गुप्ता को जो है संपादक बनाया गया था। सन 1984 में पहाड़ी लहर हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका के लेखक कौन है, तो इसका भी आंसर जो है वो है रमेश गुप्ता। क्या है? रमेश गुप्ता। अगला है सिरमौर घाटी के गांव धीराना के WWE रेसलर कौन थे, तो दलीप सिंह राणा जिसको खली के नाम से भी जाना जाता है, तो वो धीराना गांव से जो है वो बिलोंग करते हैं जो कि सिरमौर घाटी में आता है। विख्यात चिपको आंदोलन में किस हिमाचली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, चिपको आंदोलन में, तो कुलभूषण के द्वारा जो है, कुलभूषण पूरा नाम है आएगा कुलभूषण उपमन्यु के द्वारा जो है चिपको आंदोलन में जो है हिमाचलियों के द्वारा जो है वो भूमिका निभाई गई थी। नेक्स्ट आया प्रदेश की पंचवर्षीय योजना में लगातार 25 वर्षों तक यानी कि 51 से लेकर इतने तक 54 तक किस क्षेत्र को वरीयता दी गई है यानी कि प्रेफरेंस दी गई है, वो है परिवहन और यातायात। परिवहन और यातायात को दी गई थी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने अपना भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया या किया था, तो 1953 में उन्होंने इसको पारित किया। अगला सवाल है हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो 1954 को हुआ था। कब हुआ था? 1954। अगला सवाल है पृथक बागवानी विभाग
की स्थापना कब हुई, तो बागवानी विभाग की स्थापना हुई थी सन 1970 हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग की स्थापना कब हुई, तो इसकी हुई थी कृषि विभाग की 1948। कल्याण सोना सोनालिका RR 21 यानी कि 21 किसकी नवीनतम किस्म में है, वो है गंदम यानी कि वीट, गेहूं भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मक्की की उन्नत किस्मों के नाम बताओ, तो ये है गंगा है, हिम है, एल बी एल है, विजय है, अंबर है, हिम 1, 2, 3 और गंगा 3, ये अलग अलग जो हैं वो इसके नाम हैं। केरल के बाद अदरक का उत्पादन में जो है प्रमुख राज्य जो है वो कौन सा है, तो केरल के बाद जो है भारत में सबसे ज्यादा जो है अदरक वो होता है हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है महाशीर मछली का उत्पादन प्रदेश के कौन से जलाशय में होता है, तो महाशीर जो मछली है वो होती है पोंग झील में, कहां पर है पोंग झील में। गुगली, बाटा, कुलवंश, सौल, महाशीर, कुर्क, रोहू, गो किसकी किस्में हैं, ये भी सभी मछलियों की किस्में हैं, उनकी वैरायटीज के नाम हैं और ये विशेषकर कांगड़ा के क्षेत्र में ही पाई जाती है यानी कांगड़ा जिला में पाई जाती है। अगला है ट्राउट, महाशीर, स्नो ट्राउट, मिरर कार्प, ये क्या है, तो ये भी मछली की ही किस्म है। ट्राउट बहुत ठंडे पानी में रहने वाली मछली है जो कि बर्फीला पानी होता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रदेश की किस रियासत को मुस्लिम आक्रमणों का सामना नहीं करना पड़ा, तो मुस्लिम आक्रमण जो है वो चंबा जिले पर नहीं हुए हैं, तो वहां की रियासतों को नहीं करना पड़ा। शिखर शैली में निर्मित चंबा का चंपावती मंदिर किसको समर्पित है, तो चंबा का जो है ये चंपावती जो कि साहिल वर्मन की बेटी थी, इसकी थी साहिल वर्मन की पुत्री चंपावती को जाता है। राजा साहिल वर्मन द्वारा 10वीं शताब्दी में शिखर शैली में निर्मित लक्ष्मी नारायण मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो ये मंदिर जो है वो है भगवान विष्णु को समर्पित है, इसको भगवान विष्णु को। अगला है भूरी सिंह संग्रहालय, बहुत बार मैंने बोला भूरी सिंह संग्रहालय कहां पे है, चंबा में है, तो ये कब बना है, तो कब खुला 1908 में यानी कि 14 सितंबर 1908। चंबा का अंतरराष्ट्रीय मेला कहां पर आयोजित किया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय चंबा का जो है वो चंबा मेन में शहर में ही वहां पर चौगान में जो है वो मनाया जाता है। ब्रिजेश्वरी, सूही माता, चमुंडा देवी मंदिर ये कहाँ पर हैं, तो ये सभी मंदिर जो हैं वो सूही बोला तो सूही मेला कहाँ का है, चंबा का है, तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए चंबा। चंबा के रंग महल की नींव किसने लिखी, यहाँ पर कॉलेज भी था पहले फिर इसको अलग चेंज किया गया, तो उमेद सिंह, राजा उमेद सिंह के द्वारा जो है रंग महल की जो है नींव रखी गई थी। विपिन पिन पार्वती नेशनल पार्क देखिए लाहौल स्पीति में है, तो ये कब बना है 1897 में, नोट किया करो 1897 में, और ये 675 वर्ग किलोमीटर की जो है वो क्षेत्रफल को इसने घेरा हुआ है। उदयपुर लाहौल स्पीति में स्थित है, वहां पर त्रिलोकीनाथ मंदिर है और त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है वो किस भगवान को समर्पित है, वो शिव भगवान को समर्पित है। अगला है लाहौल स्पीति का मुख्यालय कहाँ पर है, तो लाहौल स्पीति का जो मुख्यालय है वो केलांग में स्थित है, कहाँ पर है केलांग में स्थित है। लाहौल स्पीति को कुल्लू घाटी से कौन सा अलग करता है, तो ये करता है रोहतांग दर्रा जो कि 3978 वर्ग मीटर मीटर पर जो है हाइट पर स्थित है रोहतांग दर्रा। लाहौल स्पीति को कौन सा दर्रा अलग करता है, तो लाहौल स्पीति को जो है
यानी कि लाहौल को स्पीति से अलग करने वाला कौन सा हुआ, कुंजुम दर्रा। कौन सा दर्रा है, कुंजुम दर्रा है बच्चों, ध्यान से पूरा पूरा नोट करिएगा, कुंजुम दर्रा। प्राचीन भूगोल वेता शिवालिक पर्वत श्रेणी को किस नाम से जानते थे, तो पुराने जो थे वो जानते थे इसको मेनाक पर्वत, किस नाम से जानते हैं, मेनाक पर्वत। शिमला में के दक्षिण में स्थित चुड़ चांदनी चोटी का औसतन ऊंचाई कितनी है, तो 3647 मीटर जो है ये हाइट है। और अंतिम सवाल है इसका, किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से कौन सा पर्वत श्रेणी पृथक यानी कि अलग करती है, तो जास्कर पर्वत श्रेणी जो है उसे अलग करती है किन्नौर को स्पीति से। तो ये थे आज के प्रश्न, कैसे लगे आपको ये जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ इसी वीडियो में, इसी क्लास में, फिर से मिलेंगे नए वीडियो क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।